ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह जी की हालत स्थिर बनी हुई है। हालांकि शुरुआत में 72 घंटों की बात कही जा रही थी, तो ये कहा जा सकता है कि उनकी स्थिति अब उतनी ख़तरनाक नहीं है, परंतु बहुत अधिक इम्प्रूवमेंट भी नहीं दिखाई दे रहा है। कल आए इस समाचार के आधार पर ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह जी की हालत स्थिर बनी हुई है। वो पायलट रहे हैं। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को शौर्य चक्र भी दिया गया था 15 अगस्त 2021 को ही। आपका एक अदम्य साहस का कार्य 2020 में देखने को मिला था। शुरुआत में वेलिंगटन हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था, जो कि निकटवर्ती हॉस्पिटल था, जो कि आर्म्ड फोर्सेस का ही अस्पताल है। फिर बाद में उनको वहां से वेलिंगटन से शिफ्ट किया गया बेंगलोर में। बेंगलोर के कमांड हॉस्पिटल में रखा गया है उनको, जहां कि उनका इलाज विधिवत चल रहा है और उनके लिए डॉक्टर्स की एक स्पेशल टीम भी तैनात की गई है कि उनकी पल पल की खबर रखी जा सके। और उनकी शिफ्टिंग के दौरान भी बहुत अच्छे ढंग से उनकी शिफ्टिंग वेलिंगटन से बेंगलोर हुई थी। आप, हम, पूरे देशवासी सभी कामना करें कि वरुण सिंह जी जल्द से जल्द पूरी तरह से सेहतयाब हो जाएं, तंदुरुस्त हो जाएं और अपने परिवार, अपने देशवासियों और अपने फौज के साथियों के साथ, ये है वो हॉस्पिटल जहां पे उनका इलाज इस वक्त चल रहा है। ईश्वर अल्लाह करे कि वो जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाएं। उनकी स्थिति स्थिर बनी हुई है, ये भी अच्छी बात है, परंतु उसमें तेज़ी से सुधार के लिए हम सब लोगों को प्रार्थना करनी चाहिए। डॉक्टर्स अपना हॉस्पिटल का काम कर रहे हैं।